हम कैसे अपना डिज़ायर्ड पार्टनर को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करें। पेपर की एक स्ट्रिप लेनी है, उसमें अपने पार्टनर का नाम लिखना है, और जिस भी इंसान को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप उनके नाम से मन में उनका नाम लेंगे, एंड देन यू विल स्प्रे द परफ्यूम अराउंड यू। पर्टिकुलर रेमेडी का जो भी रिजल्ट होगा वो 16 दिन के अंदर देखने को मिल जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टिक सोनिया और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। ये स्पेशल सीरीज़ है, एस्ट्रो स्पेशल सीरीज़, और इस सीरीज़ में हम बात करते हैं ऐसी कुछ रेमेडीज़ की जो बहुत कॉमन टॉपिक से रिलेटेड हैं, पर बहुत ही आसान रेमेडीज़ हैं जो आप बहुत प्यार से अपने घर बैठे इसको कर सकते हैं। आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं वो सिंगल्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये टॉपिक है कि हम कैसे अपना डिज़ायर्ड पार्टनर को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करें। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो यही रिक्वेस्ट लेके आते हैं कि हम एक एक्स पर्सन को चाहते हैं, उसको अपनी लाइफ में कैसे अट्रैक्ट करें। एक फ्री विल एक ऐसी चीज़ है ना जो हम सभी एक्सरसाइज करते हैं। आप किसी की विल के अगेंस्ट कोई काम नहीं कर सकते, पर कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर कर सकते हैं जिससे चीज़ें आपके फेवर में बन जाएं, या दूसरे इंसान जो आपके बारे में सोच रहा है ना, वो आपके बारे में जो फीलिंग्स रख रहा है वो थोड़ी सी सॉफ्टन हो जाए, वो इतनी हार्श ना हो। उससे क्या होगा, हमारा काम आसानी से बनने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। बट सिंगल लोगों के लिए जो मैं टिप बताने जा रही हूँ वो ये है कि देखिए, वेस्ट का जो आपके घर का डायरेक्शन है ना, वो इच्छा पूर्ति का डायरेक्शन माना जाता है। कोई भी चीज़ जो आप इंटेंशन डाल करके उस डायरेक्शन में रखते हैं वो ग्रो करेगी, वो मैनिफेस्ट होगी। तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज़ करनी है, आपने एक छोटी सी शीशी रखनी है, ठीक है। वो शीशी आप कहीं से भी कांच की शीशी ले सकते हैं, उसमें आपने हनी डालना है, और हनी डालने के बाद में आपने एक पेपर की एक स्ट्रिप लेनी है, उसमें अपने पार्टनर का नाम लिखना है। जो भी पार्टनर आपके मन में है और आप चाहते हैं कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, उसके मन में आपके लिए अच्छी फीलिंग्स आ जाएँ, उस इंसान का नाम लिखिए, और वो वाइट कागज़ की जो स्ट्रिप है आपको उस हनी की बॉटल के अंदर डालनी है, एंड वो शीशी आपने बंद कर देनी है, ठीक है। सो दिस इज़ द हनी जार एंड इट हैज़ अ नेम चिट इनसाइड दैट हनी जार। अब वो हनी जार को आप लीजिए और अपने घर के वेस्ट की डायरेक्शन में रख दीजिए, और ये इंटेंट उसमें डालिए कि आप जिसको चाहते हैं वो भी आपको इक्वली लाइक करना शुरू कर दे, चाहना शुरू कर दे। और आपको इस पर्टिकुलर रेमेडी का जो भी रिजल्ट होगा वो 16 दिन के अंदर देखने को मिल जाता है। 16 डेज इज ऑल इट टेक्स। ओनली थिंग दैट यू हैव टू मेक श्योर इज कि जो आपका इंटेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि आप जिसके भी बारे में वहाँ पर बोल रहे हैं कि वो इंसान आपको आपकी तरफ अच्छी फीलिंग्स रखे, इट हैज़ टू बी वेरी वेरी न्यूट्रल। आप अगर घबरा के, परेशान हो कर के, यू नो, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि नहीं हो रहा है एंड परेशान हो रहे, नहीं, ऐसी एनर्जी में आपको नहीं रह के करना है। यू हैव टू बी एब्सोल्युटली काम एंड एब्सोल्युटली श्योर ऑफ दिस थिंग टू वर्क। जैसा कि मैंने आपको 369 मैनिफेस्टेशन में बताया था, बिल्कुल वैसे ही आपको रहना है, और ये अपना आपने ये रेमेडी को वेस्ट डायरेक्शन में करके आना है। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं टू अट्रैक्ट द डिज़ायर्ड पार्टनर इन योर लाइफ इज़ कि जब भी आप सुबह नहाएं, अपने नहाने के पानी में आपने थोड़ा सा हनी और थोड़ा सा दूध डालना है। इससे भी आप बहुत हद तक ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे जो आपकी लाइफ को, आपके रिलेशनशिप को स्वीटन करेंगी, सॉफ्टन करेंगी। थर्ड थिंग जो आप कर सकते हैं कि नहा के निकलने के बाद यू हैव टू रेगुलरली अप्लाई परफ्यूम्स। सो वो आप ऐसे परफ्यूम लीजिएगा जिसमें you know, अगर इत्र है तो इत्र ले सकते हैं, अल्कोहल कंटेंट थोड़ा कम होना चाहिए। वो परफ्यूम जब भी आप स्प्रे करेंगे सो थोड़ा ज़्यादा स्प्रे करिए, और जिस भी इंसान को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप उनके नाम से मन में उनका नाम लेंगे, एंड देन यू विल स्प्रे द परफ्यूम अराउंड यू। आप अपने ऊपर नहीं लगाएंगे, आप अपने अराउंड में वो परफ्यूम को छिड़केंगे। एक और चीज़ है जो आप सभी कर सकते हैं, अगर रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज़ हैं, लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, मन चाहा साथी नहीं मिल पा रहा, तो कोई अच्छी क्वालिटी का आप ओपल या डायमंड भी पहन सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल जेमस्टोन्स हैं जो आपकी लाइफ में रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज़ को बहुत जल्दी सॉल्व करते हैं। एंड लास्टली, आप हर फ्राइडे के दिन
काउज को फीड ज़रूर करिए, ये भी एक बहुत आसान सी रेमेडी है जो आपके रिलेशनशिप रिलेटेड चीज़ों को बहुत आसानी से आप तक पहुंचाएगी। तो अगर कोई चीज़ है जो आप डिज़ायर कर रहे हैं वो आपकी तरफ आने लग जाएगी। इन छोटी छोटी रेमेडीज़ को करके आप बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में आसान बना सकते हैं। आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेमेडीज़ कैसी लगी। अगले एपिसोड में मैं सारे टॉपिक्स कवर करूंगी जो आप लोग चाहेंगे कि मैं कवर करूं और ऐसी ही आसान रेमेडीज़ आप लोगों को बताऊं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।